हेलो गाइज, वेलकम टू दिस वीडियो और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। सो आज आपकी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर मैंने वर्ड पा मेड इजी पूरी कवर कर दी है, जितने भी उसके सेशंस थे वो कवर कर दिए हैं एंड आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया है उन वीडियोस पे। लेकिन आप में से कई लोगों का कहना था कि उसमें जो आगे के हमारे वीडियोज़ हैं, आगे की जो वोकैबलरी की जो डिक्शनरी है, यानी कि जो किताब में जो पीछे इन्होंने यहाँ पर डिक्शनरी दी हुई है, इसको भी मैं कवर कर दूँ। तो आज से मैं वो वीडियोस स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपकी जो ये वर्ड लिस्ट है ऑफ डिक्शनरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, ये जो वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स है, इसको मैं कवर करने की शुरुआत कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि क्या मैं समझा रहा हूँ और कैसे समझा रहा हूँ। कैसे समझाता हूँ ये आपको ऑलरेडी पता है, क्या वीडियो में बता रहा हूँ ये भी आपको पता है। तो वीडियो को फॉलो करिएगा, प्लेलिस्ट में आपको बना दूंगा, जैसे वर्ड पार मेड इजी है उसी प्लेलिस्ट में मैं आगे ये वीडियोस को डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर रखे हैं कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को पता चले। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन में अटेंडेड जरूर लिखिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपने ये वीडियो देखा है। ठीक है, तो ये वर्ड पार मेड इजी की समरी हम बना रहे हैं जो कि प्रेजेंट कर रहे हैं मेरे द्वारा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बिफोर वी स्टार्ट, आप सभी को मैं बताना चाहूँगा अनअकैडमी पर आने वाले मेरे कोर्सेज के बारे में। दिस इज़ अ डाउट बस्टर सीरीज ऑफ रीजनिंग फॉर एसएससी सीजीएल एंड सीएचएसएल एग्जाम। तो आपको अगर डाउट्स होते हैं किसी भी तरीके के रीजनिंग या इंग्लिश में, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आज से ये बैच शुरू हुआ है, 3 बजे इसकी क्लास होती है। दूसरा है कंप्लीट कोर्स ऑन वोकैबलरी, ये 11 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसमें 4 बजे हमारी क्लास होगी। इसके अलावा कोर्स ऑन इंग्लिश फॉर एसएससी सीजीएल सीएचएसएल, ये एग्जाम है, जिसमें 4 सितंबर से हमारी क्लास होगी और इसकी क्लास 8 बजे होगी सुबह। और आपकी कंप्लीट कोर्स ऑफ रीजनिंग, ये शुरू हुआ है कल से 7 सितंबर से, और इसमें हमारी क्लास होगी 6 to 7 PM। तो अगर इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कर सकते हैं AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपने अभी तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और लेना चाहते हैं तो आप मेरा रेफरल कोड नोट कीजिए AMANT, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसके अलावा आप अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 1200 रुपये का मिलता है। आफ्टर दिस रेफरल कोड आपको ये मिलता है 1080 का। 3 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 3000 का मिलता है, लेकिन आफ्टर रेफरल कोड ये 2700 का मिलता है। और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 6000 का मिलता है, लेकिन आफ्टर रेफरल कोड ये 5400 का मिलता है। तो अगर आपकी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको एक बात ये भी बतानी है कि कल आप लोगों का आपको 11 सितंबर को एक ट्विटर ट्रेंड चलाना है, जिसमें हैशटैग स्पीकअप और एसएससी रिफॉर्म्स के ऊपर आपको बात करनी है, तो उस चीज़ को भी आप फॉलो कर लीजिएगा। बात शुरू करें आज की वर्ड लिस्ट डिक्शनरी ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, जो कि मैंने आपको बताया नॉर्मल लुईस से है, उसको शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा आज का वर्ड है वो है आपका अबैश। ठीक है, अबैश का मतलब होता है मेक समवन फील एम्बैरेस्ड, डिसकंसर्टेड और अशेम्ड, यानी कि किसी को एम्बैरेस्ड फील कराना, डिसकंसर्टेड फील कराना और अशेम्ड फील कराना। ठीक है, यानी कि एम्बैरेस्ड फील कराने के लिए कहते हैं अबैश। ठीक है, जैसे कि इस बच्ची के बिहेवियर की वजह से इसके जो माता पिता हैं वो बहुत ही अबैश्ड फील कर रहे हैं, बहुत ही एम्बैरेस्ड हो रहे हैं। सिनोनिम क्या हो जाएगा, कन्फाउंड, कन्फ्यूज एंड डिसकॉम्फिट, डिसकंसर्ट एंड डिसकाउंटेंस। और एंटोनिम्स हो जाएंगे अनअबैश्ड एंड डॉन्टेड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे दीज पेरेंट्स आर अबैश्ड बाई दियर चाइल्ड्स बिहेवियर, ये पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हो गए थे चाइल्ड के बिहेवियर की वजह से। ठीक है, नाउन क्या हो जाएगा, अबैशमेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो अबैश को याद रख सकते हो सिंपली आप। ठीक है, इस मीम के जरिए आप याद रख सकते हो अबैश्ड, द चाइल्ड वॉज अबैश्ड बाई हर पेरेंट्स बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा हो रहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अबेट। ठीक, अबेट का मतलब क्या होता है, टू बिकम लेस इंटेंस और सीवियर, और टू मेक समथिंग लेस इंटेंस और सीवियर, किसी की इंटेंसिटी को कम करना, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करने को कहते हैं अबेट करना। ठीक है, किसी की इंटेंसिटी को, किसी की क्षमता को कम करने को कहते हैं अबेट। सिनोनिम हो जाएगा फॉल अवे, लेसन, लेट अप, लोअर, मॉडरेट एंड फॉल। ठीक है, एंटोनिम हो जाएंगे ग्रो, इंक्रीज, इंटेंसीफाई, माउंट, मशरूम, पिकअप एंड राइज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं टेकिंग पेन मेडिसिन कैन कॉज हेडेक टू अबेट, यानी कि पेन मेडिसिन से आपका जो हेडेक है वो कम हो सकता है। ठीक है, ठीक,
तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है। तो आइए, मैंने बहुत सिंपल सा एक मीम बनाया था पहले का, तो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट है आपका वर्ड अब्डिकेट। अब्डिकेट का मतलब क्या होता है? टू गिव अप द पोजिशन ऑफ बींग किंग, क्वीन और एम्परर, यानी कि राजगद्दी को त्याग देना, छोड़ देने को कहते हैं अब्डिकेट, ठीक है। अब्डिकेट द किंगडम, सिनोनिम हो जाएगा अब्डिकेट, सीड, रिलिंक्विश, रिनाउंस, रिजाइन। एंड एग्जाम्पल हो जाएगा द किंग डिसाइडेड टू अब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन, यानी कि किंग ने राजगद्दी छोड़ने का निर्णय लिया अपने सन के फेवर में, ठीक है। तो अब्डिकेट का मतलब क्या है? टू रिलिंक्विश और रिनाउंस, और कोई राजगद्दी को छोड़ने के लिए आता है आपका अब्डिकेट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ड, तो नाउन इसका क्या हो जाएगा? एब्डिकेटर। देखो वर्ब में अगर आप ई आर लगाते हो या फिर ओ आर लगाते हो तो क्या बनता है आपका? एब्डिकेटर, ठीक है। चलिए, और एडजेक्टिव क्या लगाने के लिए? ए बी एल ई लगाओगे तो एडजेक्टिव बन जाएगा, एब्डिकेबल इसका एडजेक्टिव हो जाता है, ठीक है। सो भरत एब्डिकेटेड द किंगडम फॉर श्री राम, तो उन्होंने राजगद्दी को त्याग दिया, आप ये याद रख सकते हो। एब्डिकेट मतलब होता है त्याग देना, किंगडम को, किसी राज्य को त्याग देने के लिए आता है एब्डिकेट। सिंपली आप इसे आसानी से याद रखेंगे, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है अ फैक्ट और एक्शन और अ वे ऑफ बिहेविंग दैट इज नॉट यूजुअल एंड दैट मे बी अनएक्सेप्टेबल, ठीक है। तो बहुत ही अनयूजुअल बिहेव करना जो कि अनएक्सेप्टेबल हो सकता है और यूजुअल नहीं हो सकता है। तो एबरेशन का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिमेंशिया, डिरेंजमेंट, इंसेनिटी, ल्यूनेसी, मैडनेस एंड मेनिया। एंटोनिम हो जाएगा माइंड, सेननेस एंड सैनिटी। एग्जाम्पल, शी इज नॉर्मली काम एंड लेवल हेडेड, सो दिस आउटबर्स्ट इज एन एबरेशन, ठीक है। यानी कि जनरली वो काम रहती है, शांत रहती है और बहुत ही लेवल हेडेड रहती है, तो ये जो आउटबर्स्ट है एक तरीके का एबरेशन है, एक अनयूजुअल बिहेवियर है, ठीक है। तो आप इसे याद रख सकते हो, दिस बिहेवियर वॉज एबरेशन, यानी कि बहुत ही अनयूजुअल और आपका सही बिहेवियर नहीं था, ठीक है। याद रख सकते हो आप इसे सिंपली। नेक्स्ट है आपका अबोर। अबोर का मतलब होता है रियली हेट समथिंग और समवन, किसी से घृणा करना, ठीक है, उसे कहते हैं अबोर। सिनोनिम हो जाएगा अबोमिनेट, डिस्पाइस, डिटेस्ट, एक्सीक्रेट, हेट एंड लोथ। यानी कि किसी को घृणा करना, डिटेस्ट, डिस्पाइस, एक्सीक्रेट, हेट एंड लोथ, मतलब घृणा करना। एंटोनिम हो जाएगा लव, लाइक, चेरिश, रेलिश एंड डिजायर। फॉर एग्जाम्पल, मुन्ना भैया अबोर्ड गुड्डू भैया, ठीक है, तो ये अबोर्ड करते थे, घृणा करते थे उनसे, ठीक है, इन मिर्जापुर। नाउन क्या हो जाएगा इसका? ई आर लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? कॉमन नाउन, तो अबोरर इसका क्या हो जाएगा? नाउन, ठीक। तो सिंपली याद रख सकते हो आप इसे, आप लोगों ने शादी में ज़रूर आना जरूर देखी होगी, तो ही अबोर्ड हर, नॉट ही, वो गुस्सा नहीं, नफरत करते थे, तो अबोर्ड हर, ठीक है, याद रख सकते हो सिंपली इसे। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है टेरिबल एंड विदाउट होप, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अभागा और बिल्कुल ही जिसमें होप नहीं है, जिसमें आपका कोई टेरिबल है, बहुत ही होप, निराश व्यक्ति है, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाते हैं? बेस, हम्बल, मीनियल, सर्वाइल एंड स्लेविश। एंटोनिम हो जाएगा डिग्निफाइड, एग्जॉल्टेड, नोबलर एंड एक्सीलेंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द पुअर सराउंडिंग्स कॉज्ड ऑब्जेक्ट मिजरी। द पुअर सराउंडिंग्स कॉज ऑब्जेक्ट मिजरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मिजरी, बहुत ही ज़्यादा मिजरी को ये सराउंडिंग्स होप दे रही थी, जन्म दे रही थी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मतलब हो गया टेरिबल एंड विदाउट होप। तो अब्निगेट ऑब्जेक्ट आपने याद रखा कि बहुत ही ज़्यादा पुअर, टेरिबल और विदाउट होप, बिना बिल्कुल निराश, बहुत ही मेनियल, सर्वाइल व्यक्ति, ठीक है। अब्निगेट का मतलब होता है टू डिनाई वन सेल्फ थिंग्स, कि अपने आप को कुछ चीज़ों के लिए मना करना, ठीक है। टू रिनाउंस, रिजेक्ट और रिफ्यूज, मना करना। अब अब्निगेट को सिंपली याद रखो, अब और नहीं, अब्निगेट मतलब अब और नहीं बस, तो टू डिनाई वन सेल्फ थिंग्स, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सीड, रिलिंक्विश, रिनाउंस और रिजाइन। स्टेप असाइड। एंड एंटोनिम्स हो जाएंगे रिसीव, वेलकम, टेक, गेट। फॉर एग्जाम्पल, ही अटेम्प्ट्स टू अब्निगेट पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्यागने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब्निगेटर हो जाएगा इसका, ओ आर लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? अब्निगेटर, ठीक है। तो सिंपली याद रख सकते हैं अब्निगेट, ठीक है, अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती, अब और नहीं, अब्निगेट करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा अबोटिव।
अबोर्टिव का मतलब होता है नॉट सक्सेसफुल और फेल्ड, यानी कि असफल प्रयास करना किसी चीज का। अबोर्ट कहते हैं ना, मिशन अबोर्टेड, आपने फिल्मों में सुना होगा मिशन अबोर्टेड मतलब मिशन को वहीं पे छोड़ दीजिए, पूरा कंप्लीट मत कीजिए। तो अबोर्टिव का मतलब हो गया नॉट सक्सेसफुल एंड फेल्ड। सिनोनिम हो जाएंगे बैरन, बूटलेस, एम्प्टी एंड फ्रूटलेस। ठीक है, बैरन, एम्प्टी, बूटलेस एंड फ्रूटलेस, ठीक है, फ्यूटाइल एंड इनएफेक्टिव, इनएफेक्चुअल, इनएफिकेशियस, इफिकेशियस। एंटोनिम हो जाएगा डेडली, इफेक्टिव, इफेक्चुअल, इफिकेशियस, इफिशियंट एंड फ्रूटफुल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही ट्राइड टू सेटअप अ मीटिंग बट हिज एफर्ट्स प्रूव्ड अबोर्टिव, यानी कि उसने एक मीटिंग को सेटअप करने की कोशिश की लेकिन उसके जो एफर्ट थे वो बिल्कुल ही अनसक्सेसफुल प्रूव हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्रिज। तो याद रखिए हमेशा सिंपली अब्रिज, ट्रंकेट, शॉर्टन, अब्रिज, ट्रंकेट, शॉर्टन, सेंसर, मतलब होता है किसी चीज को काट के छोटा करना। अब देखो अब्रिज का मतलब क्या है, आप सभी लोग जानते हैं इसको हम ब्रिज कहते हैं, जो ये दो चीज़ों को जोड़ने वाले को ब्रिज कहते हैं। और अगर हमें किसी नाउन को, अगर हमें वर्ब बनाना होता तो उसमें ए लगा सकते हैं, तो अब्रिज हम करेंगे तो ये क्या हो गया नाउन। अब ये क्या कर रहा है, इन दो जगह की दूरियों को कम करने का काम कर रहा है अब्रिज। तो इसीलिए अब्रिज का मतलब हो गया टू शॉर्टन बाय ऑमिशन ऑफ वर्ड्स विदाउट सेक्रीफाइस ऑफ सेंस, यानी कि कुछ शब्दों को हटा के छोटा करना, उसे कहते हैं अब्रिज। सिनोनिम हो जाएगा एब्रीविएट, कर्टेल, कट बैक, डॉक एंड एलीड। ठीक है, शॉर्टन, साइनोपेट, ट्रंकेट। एंटोनिम हो जाएगा इलोंगेट, एक्सटेंड, लेंथन, प्रोलॉन्ग एंड प्रोटेक्ट, किसी चीज को बड़ा करना, लंबा करना। फॉर एग्जाम्पल शी हैज बीन आस्क्ड टू अब्रिज द नॉवेल ऑफ रेडियो, ठीक है, नॉवेल फॉर रेडियो, यानी कि उससे रेडियो के लिए उसको नॉवेल छोटी करने को कहा गया, नाउन हो जाएगा अब्रिजर। ठीक है, अगला है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है टोटल एंड कंप्लीट, पूरी तरीके से कंप्लीट, एब्सोल्यूट। ठीक है, सिंपल सा वर्ड है। सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीट, एंटायर, एसेंशियल, परफेक्ट, पॉजिटिव, सुप्रीम, थॉरो एंड टोटल। एंटोनिम हो जाएगा पार्शियल, क्वालिफाइड, रिफ्लेक्टिव, फ्लेक्सिबल। यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर विद एब्सोल्यूट सर्टेनिटी, यानी कि कंप्लीट सर्टेनिटी से आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो एब्सोल्यूट का मतलब हो जाता है टोटल एंड कंप्लीट। अगला है अब्सॉल्व। तो अब्सॉल्व का मतलब होता है टू सेट समवन फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ गिल्ट। कहते हैं ना अब्सॉल्व समबडी फ्रॉम सिन, ये सिंपली याद रखिए पूरा फ्रेज, अब्सॉल्व समबडी ऑफ सिन, मतलब होता है अब्सॉल्व समबडी ऑफ सिन का मतलब होता है किसी को पाप से मुक्ति देना, किसी को पापों से मुक्ति देने को कहते हैं अब्सॉल्व। तो acquit, क्लियर, exculpate, exonerate, vindicate। एंड एंटोनिम हो जाएगा criminate एंड incriminate। ठीक है, किसी को पापों से मुक्ति देना, absolve you from all your sins। तो absolve के साथ क्या था, from। ठीक है, चलिए ऑफ नहीं है, from। चलिए absolution क्या हो जाएगा, noun, T-I-O-N अगर किसी में लगता है तो वो noun बन जाता है, तो absolution हो जाएगा noun। चलिए नेक्स्ट है abstinent। abstinent का मतलब होता है, abstinent मतलब हो गया नॉट अलाउिंग योर सेल्फ समथिंग स्पेशली एल्कोहलिक ड्रिंक्स फॉर मॉरल, रिलीजियस और हेल्थ रीजन्स। यानी कि जो अब्सटिनेंट, जो मना कर रहा है, जो रोकता है, अपने आप को रोकता है, मना करता है अल्कोहलिक ड्रिंक से फॉर मॉरल, रिलीजियस और हेल्थ रीजन्स की वजह से, उसे कहते हैं अब्सटिनेंट। सिनोनिम हो जाएगा कॉन्टिनेंस, सेल्फ एब्निगेशन और सेल्फ डिनायल, सोब्रिटी एंड टेम्परेंस। एंटोनिम हो जाएगा सेल्फ इंडल्जेंस, खुद को इन्वॉल्व करना किसी चीज में। फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट्स आर बेस्ट एडवाइज्ड टू बी टोटली अब्सटिनेंट फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से बिल्कुल ही अब्सटेन करने के लिए कहा जाता है। ये वर्ड अब्सटेन से बना है, अब्सटेन का मतलब होता है किसी चीज़ से दूरी बनाना, अब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल एंड रिफ्रेन फ्रॉम सेइंग समथिंग, किसी चीज़ को कहने से बचना रिफ्रेन, कुछ करने से बचना अब्सटेन, उसी से एडजेक्टिव बना अब्सटिनेंट, जो अल्कोहल वगैरह को से बचता है, नहीं करता है, पीता है। ठीक है, तो याद रख सकते हो ही वॉज नॉट टोटली नॉट बींग एब्सटिनेंट। ठीक है, अगला है एब्स्ट्रैक्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बेस्ड ऑन जनरल आइडियाज एंड नॉट ऑन पर्टिकुलर रियल और पर्सनल और थिंग्स सिचुएशन। एब्स्ट्रैक्ट, आप लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ी है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम किसी फीलिंग को ही तो कहते हैं। तो बेस्ड ऑन आइडियाज नॉट ऑन पर्टिकुलर पर्सन और थिंग, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। सिनोनिम हो जाएगा कंसेप्चुअल, आइडियल और आइडियलेशन। ठीक है, आइडिएशनल एंड मेटाफिजिकल, नोशनल, थियोरेटिकल।
एंटोनिमो जगह कॉन्क्रीट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट. फॉर एग्जाम्पल द रिसर्च शोज दैट प्री स्कूल चिल्ड्रेन आर कैपेबल ऑफ थिंकिंग इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स. ठीक है, यानी कि रिसर्च दिखाता है प्री स्कूल चिल्ड्रेन जो हैं वो कैपेबल हैं सोचने में एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स में किसी भी चीज़ को. ठीक है, नेक्स्ट है एब्स्ट्रूज. एब्स्ट्रूज का मतलब होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जो चीज़ समझने में बहुत मुश्किल हो. सिनोनिम हो जाएगा आर्केन, डीप, इसोटेरिक एंड हर्मेटिक, प्रोफाउंड एंड रिकंडाइट. एंटोनिम हो जाएगा शैलो एंड सुपरफिशियल, जो बहुत ही शैलो है और बहुत ही सुपरफिशियल है. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स इज अ मिक्स ऑफ एब्स्ट्रूज थ्योरी एंड डिटेल्ड कैलकुलेशंस. तो मैथ्स क्या है, मिक्सचर है एब्स्ट्रूज थ्योरी का और डिटेल्ड कैलकुलेशंस का. एब्स्ट्रूज थ्योरी मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड थ्योरी का. ठीक है, तो एब्स्ट्रूज मतलब प्रोबेबिलिटी, जो चैप्टर है बहुत ही एब्स्ट्रूज है बट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. ठीक है, नेक्स्ट एबिस्मल. एबिस्मल का मतलब होता है आपका एक्सट्रीमली बैड और ऑफ वेरी लो स्टैंडर्ड, बहुत ही ज़्यादा लो स्टैंडर्ड, बहुत ही ज़्यादा खराब. सिनोनिम हो जाएगा बॉटमलेस, डीप या प्रोफाउंड. एंटोनिम हो जाएगा शैलो, शोल, स्किन डीप, सुपरफिशियल एंड सरफेस. फॉर एग्जाम्पल द स्टैंडर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स वर्क इज एबिस्मल, यानी कि जो स्टूडेंट्स के काम का स्टैंडर्ड है बहुत ही ज़्यादा लो है, बहुत ही ज़्यादा बॉटमलेस है एक तरीके से. ठीक है, तो दिस द लेवल ऑफ जर्नलिज्म वॉज एबिस्मल इन दिस पर्टिकुलर क्लिप. ठीक है, नेक्स्ट है एकोलेड. एकोलेड क्या होता है, प्रेज और एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर. एकोलेड मतलब होता है प्रशंसा या जो किसी को अवार्ड मिलते हैं. ठीक है, तो प्रेज और एन अवार्ड फॉर एन अचीवमेंट दैट पीपल एडमायर, लोग जिसे पसंद करते हैं उसके लिए प्रशंसा गीत एकोलेड. सिनोनिम हो जाएगा यूलॉजी, होमेज, हाइमन, पायन, पैनेजेरिक, सैल्यूटेशन एंड ट्रिब्यूट. ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा करेक्शन, रिब्यूक, समोन, रिप्रूफ, इंडाइक्टमेंट, सेंसर. फॉर एग्जाम्पल शी रिसीव्ड अ ग्रैमी अवार्ड, द हाईएस्ट एकोलेड इन द म्यूजिक बिजनेस. यानी कि एकोलेड मतलब होता है सबसे अवार्ड मिलना किसी चीज का, प्रेज या प्रशंसा. ठीक है, सो आपको पता है आपका स्ट्रगलिंग क्वीन क्वीन को एकोलेड मिला था फिल्म फेयर का बेस्ट डेब्यू का. ठीक है, चलिए, आई होप यू गेट द सरकैज़म. नेक्स्ट लिखा है अकॉस्ट. अकॉस्ट का मतलब होता है टू गो अप टू समबडी एंड स्पीक टू देम स्पेशली इन अ वे दैट इज रूड और रूड और फ्राइटनिंग. मतलब किसी को इस तरीके से आंख में आंखें डाल के बोलना, बिल्कुल डरा के धमका के बोलना, उसे कहते हैं अकॉस्टिंग. सो ही वॉज अकॉस्टेड इन द स्ट्रीट बाई कंप्लीट स्ट्रेंजर. एक कंप्लीट स्ट्रेंजर के द्वारा उसे गली में एकदम अकॉस्ट किया गया, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे सवाल जवाब किए गए. ठीक है, सो शी वॉज अकॉस्टिंग गोपी बहू इन दिस वीडियो. ठीक है, अगर पसंद आ रहे हो मीम्स तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर जरूर करना. ठीक है, कि अगर वोकैबलरी नहीं तो कोई हंसी लेगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एसर्बिक. एसर्बिक का मतलब होता है क्रिटिकल इन अ डायरेक्ट एंड रादर क्रूअल वे. बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल वे में होना, बहुत ही क्रूअल वे में एसर्बिक टोन. एसर्बिक टोन का मतलब होता है बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही क्रूअल टोन होना. सिनोनिम हो जाएगा एसर्ब, एसिड, एसिडिक, एसिडुलस, एक्रिड, बाबेड. Biting, caustic, corrosive. For example, the letter was written in her usual acerbic style. ठीक है, so the way Kokila Bain was speaking in this video was acerbic. This was acerbic tone. बहुत ही cruel और बहुत ही ज़्यादा critical tone होना. मतलब ऐसी tone जो चुभे. Acquiesce का मतलब होता है to accept something without arguing, even if you do not really agree with it. यानी कि अगर आप किसी से agree नहीं भी करते हो फिर भी उस चीज़ को हमली एक्सेप्ट कर लेना, एक्वाइज कहलाता है. ठीक है, सिनोनिम हो जाएगा एक्सीड, एग्री, एसेंट, कम अराउंड, कंसेंट और सब्सक्राइब. एंटोनिम हो जाएगा डिसेंट. फॉर एग्जांपल ही एक्सप्लेन्ड हर प्लान एंड रिलक्टेंटली ही अक्यूज्ड. यानी कि बहुत ही उसने अपने प्लान को एक्सप्लेन किया और ना चाहते हुए भी वो एग्री कर गया. ठीक है, सो एक्वीज आप याद रख सकते हो व्हेन ही अक्यूज्ड टू द आर्ग्यूमेंट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका एक्रिड. एक्रिड का मतलब होता है बहुत ही स्ट्रांग और बिटर और टेस्ट बिटर टेस्ट होना, जो कि बहुत ही अनप्लीजेंट है. सिनोनिम हो जाएगा एक्रीमोनियस रिलेशंस हो सकते हैं आपके किसी से, मतलब बहुत ही कड़वे रिलेशन. बिटर मतलब हो जाता है कड़वा. एम्बिटर्ड हो गया है वर्ब आपका. हार्ड मतलब कठोर. रैंकरस होता है बहुत ही हार्श टोन. रिसेंटफुल हो गया जो बहुत ही हार्श टोन है. सोर आपका उसी सेंस में. एंटोनिम हो जाएगा स्वीट. आई गल्प द एक्रिड लिक्विड, जो बहुत ही ज़्यादा कड़वा था उसको गल्प कर लिया, निगल लिया. ठीक है,
तो ये थे आज के वर्ड्स, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, देखा हो पूरा तो अटेंडेड जरूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या मुझे ये सीरीज़ कंप्लीट करनी चाहिए या नहीं। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज कराएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।